Hello and welcome guys into my channel Technical World. In this video I got to show you how to get fastest experience in your Android mobile. So आपको कुछ स्टेप जो हैं वो मेरे फॉलो करना पड़ेंगे केयरफुली ताकि आपका मोबाइल जो है फास्टेस्ट हो जाए, और कुछ एप्लीकेशन है जिनको डिलीट भी करना पड़ेगा. साथ ही साथ आपको वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. और शुरू में बता दूँ थैंक यू फॉर मुझे जो है सपोर्ट करने का माइनक्राफ्ट वाली वीडियो में. काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स आ गए हैं, साथ ही साथ कमेंट भी दो तीन बंदों के आए थे. तो जो एक जो था जिसने कहा था माइनक्राफ्ट वर्क नहीं कर रही, मैंने उसके रिप्लाई में उसको आंसर दे दिया. तो आप प्लीज़ जाके चेक कर लें मैंने क्या आपको आंसर दिया है, वो आप कर लें तो आपका जो गेम है वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा. तो सबसे पहला स्टेप जो है दोस्तों वो आपको ये है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सर्च करना है यूसी ब्राउज़र. इन सब प्रोसेस के लिए आपके पास नेट होना ज़रूरी है. और यूसी ब्राउज़र को खोल के दोस्तों आपको इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका ऐसा ब्राउज़र है जिसमें ये जो डेटा होता है आपका वो जो है एक्सप्लोर करता है और ये आपका डेटा लेता रहता है नेट के ज़रिए. साथ ही साथ दोस्तों ये आपको स्पीड जब भी आपको इतनी तेज़ स्पीड देता है इसको आप जो है डिलीट कर दें तो ही बेहतर है, क्योंकि आपके एंड्रॉइड के लिए बहुत ख़तरनाक एप्लीकेशन और ये आपके एंड्रॉइड को बहुत स्लो कर देती है. मैं अभी आपको इसको खोल के दिखाऊंगा तो ये जो है काफ़ी देर में लोड होगी. ये देखें आप देख सकते हैं बहुत देर में लोड होती है. ये देखें मैं कोई चीज़ दबा रहा हूँ तो बहुत देर में वो खुल ली है. काफ़ी जो है लेगी एक्सपीरियंस है, बट अब इसका सही हो गया. अगर आपको इसको लेट नहीं करना तो मैं जो स्टेप्स कर रहा हूँ उसको आपको केयरफुली जो है वो देखना है और अपने एंड्रॉइड मोबाइल में अप्लाई करना है. सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ये कोने में ऐड का ऑप्शन है, इसको दबा के एड ब्लॉक मोड जब आपका वो ऑन है तो इसको आप ऑफ़ कर दें. और कोई भी आपका अगर कोई पॉपअप वॉपअप आए और वो यूसी ब्राउज़र के कि आप इसको अलाउ कर दें नोटिफिकेशन को, तो आप इस नोटिफिकेशन या किसी भी वेबसाइट पे क्लिक डॉट लिंक या किसी भी इसके एडिफ डॉट लाए इन किसी को भी आप अलाउ नहीं करें, डिसलाइन नहीं करिएगा, डे नहीं करिएगा. तो सेकेंड वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको बता दूँ आपको कौन सी डिलीट करनी है. आपके पास जो सा भी क्या कहते हैं एंटीवायरस हो आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में से डिलीट कर दें, जैसे मास्टर वीपीएन कह रहा हूँ, सॉरी टर्बो मास्टर नहीं, क्या नाम था, क्लीन मास्टर. जितने भी आप देख सकते हैं इनमें से जो सा भी आपके पास आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर अगर एंटीवायरस है तो आप इसको फौरन डिलीट कर दें, क्योंकि एंटीवायरस सिर्फ जो है कंप्यूटर के लिए ही सही होता है, क्योंकि उसमें खुद आता है. एंड्रॉयड में कोई ऐसे वायरस इफेक्ट नहीं करते कि इसको जो है एंटीवायरस की ज़रूरत हो. तो आप इसको फौरी तौर पर डिलीट कर दीजिए. और जिस एंड्रॉयड में ख़ुद का है तो आप उसको रहने दीजिए सिक्योरिटी के नाम से. जैसे मेरे पास ओप्पो है भी तो इसमें खुद से एक सिक्योरिटी के नाम से है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़िएगा, ये इसका खुद का है. बट आपको अलग से नहीं डाउनलोड करें वरना ही आपके मोबाइल को लेगी कर देगा. तो आप देखते हैं बहुत जगह लिखा हुआ आता है कि जो है यह आपकी जो है रैम को बूस्ट कर देता है, या आपकी रैम को खाली कर देता है, आपके एंड्रॉइड में कैचे निकाल देता है, आपके एंड्रॉइड का फालतू डेटा निकाल देता है. तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है फालतू. अगर एंड्रॉइड का खुद का सिक्योरिटी है तो वो सही है, मगर क्लीन मास्टर वास्तव बिल्कुल भी सही नहीं है. एंड्रॉइड का खुद का सिक्योरिटी डेटा सही है, और अगर एंड्रॉइड में नहीं है तो आप बिल्कुल भी उसमें कोई सिक्योरिटी क्लीनर नहीं डालें, यह आपकी स्पीड को जो है कम करता है. अब दोस्तों हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, तो वो है आपको जाना है सेटिंग में और आपको जाना है डाउन पेज पे, उसके बाद आपको जाना है अबाउट फोन में, फिर यहाँ पर आपका जो एक ऑप्शन है जिस पर लिखा हुआ है वर्जन, ये वाला, इस पर आपको 7 दफ़ा टैप करना है. उसके बाद आप चलेंगे डेवलपर ऑप्शन में, फिर आपको यहाँ पर जाना है एडिशनल सेटिंग में. उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड करना है डेवलपर ऑप्शन, इसको आप खोल लेना है. ये पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड डाल देंगे लिखा हुआ, तो भले PKLG तो ये मैंने डाल दिया, इसको यूज़ करते तो ये खुल गया डेवलपर ऑप्शन. और मैं आपको बता दूं अगर आपका डेवलपर ऑप्शन एडिशनल सेटिंग में नहीं आ रहा तो आप जो है खाली सेटिंग खोल के देखें तो ये सबसे बैक में ही सेटिंग में आ जाता है, एडिशनल सेटिंग के नीचे कहीं वहीं आ जाता है. तो फिर आप इसको ओपन करें, उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ आप करते हैं, या आप नीचे आएँ और नीचे आने के बाद जो है लॉग बफर साइजेस को जो है आप 256 KB पे सेट कर दें. और साथ ही साथ हम नीचे आए तो नीचे आने के बाद मैं आपको बता दूं विंडो एनिमेशन स्केल जो है दोस्तों इसको आप 1x कर दें, ओ 5x कर दिया मैंने, सॉरी 1x कर दें, और ट्रांजिशन स्केल को भी 1x और एनिमेटर को भी 1x कर दें, सारे स्केल्स को 1x कर दें आप. साथ ही साथ सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले को आप नॉन कर दें, ये 480 और 4K और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आप इसको नॉन पे ही रखें. तो 4 GB GPU 4 2D RAM,
आप इसको ऑन कर दें। अगर आपको ग्राफिक्स वाले गेम लैग करते हैं तब आप इसको ऑन करें, और अगर आपको इसको ऑन नहीं करना, आपकी ग्राफिक्स ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो फिर आप फोर्सली अनेबल फॉर एक्स मिसा को कर सकते हैं, अनेबल डिसेबल एच ई ओवरले को अनेबल कर दें। उसके बाद आप नीचे जाएँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डोंट कीप एक्टिविटीज़, आप इसको ओपन कर दें। साथ ही साथ मैं आपको दो तीन ऑप्शन और दिखा दूँ जिसको आपको अनेबल करना है। इसको अनेबल कर दें फॉर यूज ऑफ GP फॉर 2D ड्राइंग, तो शो हार्डवेयर लेयर अपडेट, इसको भी आप ओपन कर दें। और ये सब जितनी भी ऑप्शन है दोस्तों आप ध्यान से देख लें। इसके बाद ये सारे आप अपने एंड्रॉइड में अप्लाई करें तो आपके एंड्रॉइड की स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर आप कोई गेमिंग वेमिंग कर रहे हैं PUBG टाइप की एसफल्ट 9 और आपके एंड्रॉइड मोबाइल की रैम 1 से 2 GB है, तो और अगर पहले ही लैग करते तो इस ऑप्शन को खोलने के बाद भी कभी लैग नहीं करेंगे आपके एंड्रॉइड मोबाइल में। बट मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी वैसे ही 4 GB रैम है एंड्रॉइड की। तो ये सारे आपको ऑप्शन जो है अपने एंड्रॉइड में अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके बाद आपका एंड्रॉइड जो है बड़ा फास्टेस्ट एक्सपीरियंस आपको देगा, और साथ ही आपको जो है और भी जो गेमिंग में बड़ा फास्ट एक्सपीरियंस देगा, ना ही आपका गेम जो है लैग करेंगे। सो मैं इसलिए डिलीट नहीं कर रहा दोस्तों यूसी ब्राउज़र को, क्योंकि मेरे काफ़ी काम चलते हैं यूसी ब्राउज़र पे, कुछ डाउनलोड करना होता है। जब भी मैंने आपको अपना वाली सेटिंग बताई कि आप एड ब्लॉकर को डिसेबल कर दें, और किसी भी वेबसाइट पर अगर वो पूछे कि आप उसका डेटा अलाउ कर सकते हैं तो आप उसको डे नहीं कर दें, कभी भी अलाउ मत करें, ना ही एड एक्सटेंशन करें। सिर्फ ये एड एक्सटेंशन आप गूगल पे ही कर सकते हैं, वही आपका बिल्कुल सेफ और सिक्योर ब्राउज़र है। हाँ अलबत्ता कि वो फास्ट डाउनलोड नहीं करता, बट वही आपका सिक्योरिट ब्राउज़र है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के साथ कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स ऑन माई माइनक्राफ्ट वाली वीडियो, तो मैंने आपको दिखाया था एंड्रॉइड में माइनक्राफ्ट वाली वीडियो में। सॉरी कि मैं आपके लिए ईद स्पेशल वीडियो नहीं ला सका। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।